गाइस, वार्मली वेलकम टू माय चैनल ब्लूम बाय अनम। इट्स मी अनम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही एंटी एक्ने क्रीम कैसे बना सकते हो। अगर आपके फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम है और आपकी स्किन टाइप जो भी हो, आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। और इस क्रीम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपके पास ये एक चीज़ ना हो तो उसका अल्टरनेट आप इजीली आपके घर पे हो सकता है, आप उसको इजीली बना सकते हो। चले इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए कंटेनर, ताकि हम अपनी क्रीम को स्टोर करके रख सकें, ठीक है। सेकंड फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास टोमेटो जेल है। टोमेटो जो होता है वो एंटी एक्ने होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है। मैं टोमेटो जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टोमेटो जेल नहीं है, आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है ज़ाफ़रान। हमारे पास ज़ाफ़रान जो होती है स्किन को ग्लोइंग बनाती है और स्किन को ब्राइटन करती है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे पास है टर्मेरिक। टर्मेरिक जो हमें चाहिए वो वाइल्ड टर्मेरिक चाहिए, ठीक है। किचन टर्मेरिक आपने यूज़ नहीं करनी, वो आपकी स्किन को येलोइश बना देगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने वाइल्ड टर्मेरिक यूज़ करनी है। इसे आंबा हल्दी भी कहते हैं। ये किसी भी पंसार शॉप से इजीली आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है टी ट्री ऑयल, ठीक है। टी ट्री ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, नीम ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, क्लोव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसके फोर अल्टरनेट आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चाहिए इस क्रीम को बनाने के लिए टोमेटो जेल का। हम लेंगे इसमें वन स्पून, ठीक है, वन टेबल स्पून हम ले लेंगे इसमें टोमेटो जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रान, वन पिंच हमने ऐड करनी है इसमें। बहुत खुल जाओ, ठीक है। वन पिंच जो है हमें चाहिए ज़ाफ़रान, लाइक दिस। अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, ताकि ज़ाफ़रान का जो एक्सट्रैक्ट है वो टोमेटो जेल में आ जाए। देखें, येलोइश सी हो गई है हमारी क्रीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे वन पिंच के करीब टर्मेरिक, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। इस क्रीम को आप एज अ नाइट क्रीम की तरह आप यूज़ करोगे, ठीक है। इसको आपने जस्ट नाइट में अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब हमें चाहिए 3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल के, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक जेल जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। हमारी एंटी एक्ने क्रीम रेडी है। अगर आपके फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये आपके जो एक्ने के डार्क स्पॉट्स होंगे, मार्क्स होंगे, उसे भी ये रिमूव करेगी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको 7 डेज में ही विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। एंड अब हम इस क्रीम को एयर टाइट
बंद करके रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। आप इसको फ्रिज में जब रखोगे तो 15 डेज तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो आप इसको 7 डेज तक यूज़ कर सकते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।